हेलो हाँ जी, मैं शिव कुमार का भाई बोल रहा हूँ। इसका भाई बात कर रहा है शिव कुमार, अभी बक्सर से बात कर रहा हूँ जी। बोलिए। मैं। हाँ, तो अभी सर ने मुझे बताया, धीरज सर ने, हाँ, तो आपका नंबर दिया उन्होंने। क्या फायदा हो रहा है आपका? हाई स्कूल पुलिया वाले सर ने दिया। फेल हो रहा है। तो सर, रिजल्ट आने वाला है सर कुछ देर में। मेरे इसका रिजल्ट आज नहीं आएगा, 31 तारीख को आएगा। आज हम पता चला कि मैट्रिक का रिजल्ट आ रहा है सर। अभी तो सर सब जगह चल रहा है कि मैट्रिक का बस कुछ घंटे बाद रिजल्ट आने वाला है, तो कैसे होगा वो अरे पता? लिंक दिया नहीं है सरकारी वेबसाइट पे, से देख लेगा कहाँ से देख लेगा। सर, अब मैं आपके बारे में जान सकता हूँ, आप कौन? उन्होंने बताया नहीं नंबर दिया तो नंबर दिया उन्होंने कि आप बोर्ड ऑफिस से बोल रहे हैं, बस नाम नाम आपका नहीं बताया। रुपेश क्या होगा। रुपेश, हाँ रुपेश सर, तो कैसे होगा पैसा सर, कैसे उपाय होगा बचवा के? कितना लगेगा, पे कीजिएगा हो जाएगा, पैसा लगेगा सर? 6,000 लगेगा 6,000 रुपया लगेगा सर। छः जी, हजार में कितना परसेंटेज आएगा बच्चे का? सर, 75%। ये काम होने के बाद पेमेंट आप लीजिएगा ना? आपका मैं अकाउंट नंबर सब दे दीजिए, ऐसे सर को आपने भेजा है उनसे मैं ले लेता हूँ और करवा। अरे जी अभी पेमेंट पे करना सर, है, आज की डेट में पे करना हो। बच्चे का किसी तरह का कोई दिक्कत हो गया, अगर फेल हो गया तो सर? कोई दिक्कत नहीं होगा, गारंटी ले रहे, मेरा पर्सनल अकाउंट नंबर है, सर मैं गारंटी लेता हूँ कि सर जैसे ही रिजल्ट आएगा मैं आपको 1,000 डाल है दूंगा। क्या जैसे ही रिजल्ट आएगा 25% डालिएगा। 6,000 जो सर आप मांग रहे हैं ना, वो आफ्टर रिजल्ट, रिजल्ट के बाद मैं डालूंगा। मैट्रिक का जब रिजल्ट आ जाएगा मैं देख लूंगा कि मेरा भाई का पसंद। नो नो नो, बिफोर रिजल्ट। सर अगर फेल हो गया मेरा भाई मैट्रिक में, गारंटी ले रहे हैं, जो मैं अपलोडिंग करूंगा वो मार्कशीट अभी आपको मैं व्हाट्सएप कर दूंगा 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर। उसके बाद मैं आपको पेमेंट करता हूँ। नहीं, कुछ अमाउंट आपको पहले पे करना होगा, बिलीव हो जाए उसके बाद पे करना। मैं अभी एडवांस कुछ कर देता हूँ, तो कोई 500 रुपये डाल देता हूँ सर। 500 नहीं, हम्म, 2,000। 2,000 में करिए सर, फिर हम आपको दे देंगे, प्रॉमिस करते हैं। क्या कह रहे हैं? मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको दे दूँगा, 500 नहीं 1,000 की भी चाहिए। हेलो, हाँ यस सर, आप बोर्ड ऑफिस से बोल रहे हैं? कौन से पद पे हैं आप? कौन से पद पे हैं आप, क्या पोस्ट है सर आपका? कलर पोस्ट है, टाटा विंडो ऑपरेटर। डाटा ऑपरेटर। ये लगता है कहीं आवाज आ रहा है, कहीं फील्ड में बैठे हुए हैं। हाँ आवाज चल रहा है। कतरिस राय से बोल रहे हैं सर? हैं कतरिस राय से बोल रहे हैं, जामताड़ा से बोल रहे हैं? कहाँ से? कतरिस राय से बोल रहे हैं कि जामताड़ा से? कौन बात कर रहा है? छोड़िए ना सर, आवाज नहीं आ रही सर, सुनिए ना, फोन मत काटिएगा। हेलो, हाँ मैं पत्रकार बोल रहा हूँ। अच्छा लगता है करके भीख मांगना चलता है सर? अरे आवाज नहीं आ रही, भीख मांगना चलता है? अच्छा लगता है सर ऐसे भीख मांगना, पेड़ पर बैठ के कतरी सराय से और जमताड़ा से फोन करना, शर्म नहीं लगता है? तेरे नंबर पे भी फायर करूंगा रे मादर चोद, साले चूतिया। 1,500 रुपया लगी भीख मांगता है बैठ के बेशरम। अरे साले शरम, तेरे को शरम भी नहीं लगता है? भीख मांग रहा है इतना सामने वाले को, तू चूतिया, तू चूतिया समझ रहा है सामने वाले को? अरे भीख मांग रहा है साले, अरे साले भीख मांगता है, शरम कर, अच्छा खासा होगा कहीं बैठ के। अब सामने तेरे वाले से चूतिया ना बनेंगे लोग। कतरे सराय से बोल रहा है, बोल ना कहाँ से बोल रहा है, तेरा नाम भी गलत होगा। थोड़ा अभी हमने मौज मस्ती कर रखा, नहीं हम ऐसी बात करते हैं, तुम जैसे मूल्य को थोड़ा फंसा देते। कोई फंसने वाला नहीं है मेरे दोस्त, अरे मेहनत करो, कमाओ, आओ नौकरी हम देते हैं। कहाँ दिलाओ, आओ पटना में 12,000 रुपये का हैंडसम सैलरी पे नौकरी दिलवाएंगे, आ जा। किसमें किसमें हैंडसम? हैंडसम सैलरी पे दिलवा दूंगा, पिज्जा में हो जाएगा। हैंडसम सैलरी बोलते हैं यार, नॉन मैट्रिक। मतलब
हैंडसम सैलरी मतलब अच्छे खासा सैलरी दोस्त। मैट्रिक भी नहीं की हुई क्या यार? मैट्रिक के बच्चे को तुम पास करा रहे हो? क्या बात कर रहा है, हैंडसम फॉर यू बॉय। नो 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 नहीं, हैंडसम सैलरी भी बोलते हैं दोस्त। नो, हैंडसम बॉय और ब्यूटीफुल लड़की का आ जाता है। नहीं नहीं, हैंडसम सैलरी भी बोला जाता है। पढ़ लीजिएगा आप, अभी गूगल पे मारिए। हाँ हेलो, चलिए ठीक है, दूसरे मुल्ला को किसी को देखिए, यहाँ तो अस्पताल करने वाला नहीं है। अभी हाँ, अभी चलाऊंगा मैं, न्यूज़ का भी चलाऊंगा तुरंत। नमस्कार दोस्तों, तो आप लोगों ने सुना कि कैसे बोर्ड ऑफिस कर्मी बनकर एक फर्जी जो ठग है वो कॉल करता है और 6,000 रुपये की डिमांड करता है, और वो कहता है कि आपका भाई का जो है पेपर मेरे पास आया हुआ है और आपका भाई जो है वो फेल हो रहा है और वो शिव कुमार का पेपर है, यदि आप 6,000 रुपया देते हैं तो शिव कुमार को पास कर दिया जाएगा, नहीं तो शिव कुमार फेल हो जाएगा। पूरा मामला क्या है मैं आपको बता दूं। ये मामला है आपको हाई स्कूल पुलिया बक्सर का रहने वाला है, जिनके प्रिंसिपल है धीरज कुमार। उन्हें एक फ़ोन जाता है, रुपेश झा बनकर एक व्यक्ति फ़ोन करता है और उन्हें कहता है कि शिव कुमार आपका जो स्कूल का बच्चा है उसका पेपर मेरे पास आया हुआ है और मैं आपको कॉल कर रहा हूं और कॉल के माध्यम से आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि आपका जो ये बच्चा है वो शिव कुमार वो फेल हो रहा है, यदि आप 6,000 रुपया देते हैं तो आपके बच्चे को फर्स्ट डिवीजन से पास कर दिया जाएगा। जब प्रिंसिपल महोदय धीरज कुमार जो कि हाई स्कूल पुलिया बक्सर के जो प्रिंसिपल हैं वो पूछते हैं कि कैसे मैं यकीन मानूं कि आप मेरे बच्चे को पास कर देंगे, तो वो कहता है कि मैं आपको पूरा अकाउंट डिटेल देता हूं, उसने सब कुछ भेज दिया और मैं वो भी आपको दिखाऊंगा, और उसके माध्यम से वो कहना चाह रहा है कि 6,000 रुपया आप जल्द से जल्द दे, क्योंकि कुछ ही देर में या कुछ ही दिनों में रिजल्ट आने वाला है और पेपर मेरे पास आया हुआ है शिव कुमार का और वो फेल हो रहा है, 6,000 रुपया दीजिए तो आपके बच्चे को पास कर दिया जाएगा। तो जब प्रिंसिपल ने पूछा कि आपका क्या नाम है, तो फर्जी अपना नाम रुपेश झा बताता है और कहता है कि मैं बोर्ड ऑफिस कर्मी हूँ और मेरे पास पेपर आया हुआ है और आपके बच्चे का नंबर कम आ रहा है। तो दोस्तों, मैं ये न्यूज, ये जो वीडियो मैं आप लोगों तक इसलिए पहुँचाना चाह रहा हूँ कि शुरुआत के दिनों में जब मैट्रिक का एग्ज़ाम होता है या किसी भी तरह का मैट्रिक या ट्वेल्थ का एग्ज़ाम जब पड़ता है, तो उससे पहले एक अफवाह उड़ता है कि मार्केट में जो है वो पेपर आउट हो जाएगा, आप अगर इतने पैसे देते हैं तो एग्ज़ाम के एक दिन पहले वही पेपर हूबहू आपके पास आ जाएगा। अगर कुछ लोग झांसा में आ जाते हैं और पैसे दे देते हैं और वो ठग जो है पैसा लेकर ऐसा आराम से फरार हो जाता है, वो हुई पहली मकसद। दूसरी, जब रिजल्ट का समय आता है तो बहुत सारे फर्जी कॉल जो है इस तरह के आते हैं और उन लोग, पता नहीं उन लोगों के पास कैसे ये चला जाता है डाटा, और उसके बाद वो फ़ोन करके वो पैसे की उगाही करते हैं और एक डराते हैं कि बच्चा जो है आपका फेल हो रहा है, और अभिभावक जो है डर कर पैसे दे देते हैं और उसके बाद रिजल्ट जो होता है वो सामने होता है, पास या फेल। अगर तुक्का लग गया तो आप पास है तो आप उस वापस उस नंबर पर कॉल नहीं करते हैं, और अगर आप फेल हो जाते हैं तो उस नंबर पर आप जब कॉल करते हैं तो वो नंबर आपको स्विच ऑफ मिलेगा। एक्चुअली एक तरह का एक सरगना है, एक टीम है, ऐसे लोग काम कर रहे हैं। आपने सुना होगा कि किस तरह से जब मैं उनसे बात कर रहा हूं तो काफी प्रेम से बात करें, जब मैं बताया कि मैं पत्रकार बोल रहा हूं तो किस तरह से आग बबूला होकर गाली गलौज तक वो करने लगा। तो इस चीजों को आप समझिएगा कि क्या है सच्चाई। तो इस तरह का कॉल यदि आप लोगों के पास आता है तो उसे एंटरटेन न करें, तुरंत डिस्कनेक्ट करें और स्थानीय थाना को सूचना दें। तो इस तरह के कॉल से बचें, मेरा वीडियो बनाने का ये मकसद है कि इस तरह के कॉल से आप बचें और आप लोग जागरूक हो। आपके बच्चे में अगर क्षमता है तो आपकी बच्चा पास होगा, अगर वो क्षमता नहीं होगा तो फेल होगा, और वो जो पैसे आप इधर उधर ठग को बर्बाद करेंगे वो बच्चे के एडुकेशन पे उस पे खर्च करें। कैसा लगा ये हमारा खबर, कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना राय दें, और हाँ, हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।